बिलासपुर में खुलने वाले एम्स में होनहार डॉक्टरों को अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए हिमाचल प्रदेश मेडिकल अफसर संघ ने मांग की है। संघ के महासचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि चिकित्सक एम्स जैसे बड़े संस्थानों में काम करने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिए जाने से समस्या बन रही है। उन्होंने कहा कि संघ ने सरकार से मांग की है कि जिन डॉक्टरों का अपना बॉर्ड पीरियड पूरा हो चुका है उन्हें जल्द अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाए। वहाँ की फैकल्टी के लिए एलिजिबल हैं जिन्होंने अपने बॉन्ड पीरियड को पूरा कर लिया है और वो अपने कैरियर में तरक्की चाहते हैं, उनको एनओसी जारी की जानी चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों से देखने से आ रहा है कि उनको एनओसी नहीं दी जा रही है, जो कि हमारे एक कैरियर प्रोग्रेशन में जो है वो जानबूझ कर एक ब्रेक लगाई जा रही है। एक तो पहले ही पूरे प्रदेश में जो नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं उनमें इन सर्विस डॉक्टर्स को बड़े ही गलत तरीके से उनको जो है वो निकाला जा रहा है, क्योंकि तब कहा जा रहा है कि एमसीआई की शर्तों के हिसाब से रखेंगे, लेकिन जो बाहर वाले हैं उनको एमसीआई की शर्तों के हिसाब से नहीं रखा जा रहा है। तो अगर अब ये मौका है किसी नामचीन संस्थान में एम्स में काम करने का, जो कि हिमाचल में ही खुलेगा, हिमाचलियों के लिए ही खुलेगा, तो वहाँ जो हमारे एलिजिबल इन सर्विस कैंडिडेट हैं उनके लिए एनओसी दी जानी चाहिए। और हमने इसके लिए पत्र भी लिखा था 5-6 दिन पहले, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अब हम आप प्रेस के माध्यम से ये कोशिश कर रहे हैं कि सरकार जो है, अनुरोध है हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से कि एलिजिबल कैंडिडेट्स को एनओसी एम्स की फैकल्टी में जाने के लिए दी जाए।